नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में। और ज्योग्राफी में अभी तक हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी हुई हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी अफ्रीका के बारे में पढ़ा हुआ है। तो आज हम लोग इसमें पर्वत के प्रकार देखेंगे, पर्वत ज्योग्राफी यानी अफ्रीका में कितनी तरह, वैसे तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं इस बारे में बात करेंगे। बाकी हम लोगों ने पर्वत कवर किया है, अफ्रीका में कितने पर्वत है, पर्वत पठार, वो वीडियो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको ज्योग्राफी का वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे, फंडामेंटल कैसे कितने प्रकार के पर्वत होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पर्वत जो होते हैं, पहले पर्वत होता है उसकी परिभाषा दे लेते हैं। तो पर्वत वह स्थलाकृति है जिसका आधार क्या होता है, चौड़ा, और जो ऊपरी सिरे की ओर क्या होता है, तिकोना आकार का होता है, वो हमारा पर्वत कहलाता है। मतलब आधार चौड़ा, ऊपर की ओर क्या हो, तिकोनी आकार का हो, वो हमारा क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है। इसकी जो मैक्सिमम हाइट, जो एम यानी जो हाइट शुरू होती है, वो 1000 से अबव, जो 1000 से ऊपर के जितनी भी हाइट वाले होते हैं वो सब कहलाते हैं पर्वत, ठीक है। इसी में एक दूसरा केस आता है जो हम जिसे हम बोलते हैं पहाड़ियाँ। तो पर्वत की परिभाषा ये हो जाएगी, पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। पहाड़ियाँ क्या होती हैं, जिनकी हाइट क्या होती है, जिनका आधार चौड़ा और ऊपर क्या तिकोने आकार की होती है, और जिनकी हाइट जो होती है लेस देन 1000 होती है, मतलब 1000 से क्या होती है नीचे होती है, वो पर्वत के पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो बेसिकली पर्वत जो होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। पहला पर्वत होता है वलित पर्वत, दूसरा जो होता है भ्रंशोत्त पर्वत, तीसरा जो पर्वत होता है, पर्वत की वैरायटी होती है, वो ज्वालामुखी पर्वत में आते हैं, और चौथा जो आता है वो हमारे अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आते हैं। अवशिष्ट पर्वत जैसे हमारे अरावली की श्रेणी पाई जाती है। तो पहले पर्वत की बात करते हैं, वो होते हैं हमारे वलित पर्वत। तो वलित पर्वत का निर्माण कैसे होते हैं पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी से इस वीडियो में हम लोग बस इंट्रोडक्शन के बारे में, पर्वत के इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे, बस पर्वत के प्रकार हेडिंग डाल लीजिएगा। और पहला जो टाइप है उसमें है वलित पर्वत। अब ये पर्वत कैसे होते हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। ऐसी जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो टकराने के बाद वो क्या होती है, ऊपर की ओर घर्षण खा करके क्या होती है, ऊपर की ओर मोड़ने लगती है। तो वो हमारी कौन सी श्रेणी बनती है, उससे जो निर्माण होता है वो हमारी वलित श्रेणी कहलाती है। कभी कभी क्या होता है कि संपीड़न बल बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण जो जब टकराव होता है, तो एक सिरा ऊपर की ओर दूसरे सिरा नीचे की ओर धंसने लगता है, एक सिरा ऊपर की ओर उठने लगता है, दूसरा सिरा नीचे की ओर धंसने लगता है। तो उस तरह से भी जो निर्माण होता है वो भी क्या होता है, वलित पर्वत की श्रेणी में ही आता है। तो वलित पर्वत में जो जो ऊपर की सिरे की ओर उठता है उसे हम लोग अपनति बोलते हैं, ठीक है। ये दो प्रक्रियाएं होती है, तो एक क्या होती है अपनति कहलाती है, और दूसरी क्या कहलाती है अभिनति। अभिनति मतलब जो नीचे की ओर धसे, ठीक है, जो प्लेट नीचे जाती है, मतलब कुछ इस तरह है। मान ली ये प्लेट है, अब एक प्लेट क्या हो ऊपर की, दूसरी प्लेट की ओर ऐसे चली जाए, और एक ऊपर की ओर चली जाए और दूसरी नीचे की ओर चले जाए, हमारी कला दूसरी अभिनति, ठीक है। हमारे क्या हो गए, ये हमारी वलित पर्वत के बारे में भी बात किए। इसका एग्जांपल जैसे एटलस रॉकी हो, हमारे हिमालय की, और भी कई एग्जांपल हैं, ठीक है। तो वलित पर्वत में इतना ही। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग भ्रंशोत्त पर्वत पे, ठीक है, टाइप नंबर टू भ्रंशोत्त पर्वत। तो भ्रंशोत्त पर्वत में क्या होता है भाई, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, भ्रंशोत्त पर्वत में ऐसी स्थलाकृति या फिर ऐसी आकृति जिसमें ऐसा पर्वत जिसके आधार क्या हो, जो निचला यानी ऐसे मान हुआ है, ठीक है, ऐसा आकार बना हुआ है। मान लीजिए हमारा सरफेस है, ठीक है। तो ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, बीच का हिस्सा क्या हो ऊपर की ओर जाए और किनारे का हिस्सा क्या हो स्थिर रहे, वो हमारे कहलाते हैं। इस प्रकार से जिस पर्वत का निर्माण होता है वो हमारे भ्रंशोत्त पर्वत कहलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार में इसी इसी के अंदर टाइप एक और होता है। अब भाई जो ऊपर जा रहा वो तो ठीक है, अब मान लिया किसी ने आपसे पूछ लिया, अच्छा जो ऊपर जा रहे वो भ्रंशोत्त कहलाएंगे और जो नीचे जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, तो उसके लिए क्या होता है, वो होश पर्वत कहलाते हैं, जिसका जिसका बीच का सिरा क्या होता है, जिसका बीच का सिरा क्या होता है स्थिर रहता है, और ये वाला हिस्सा क्या होगा नीचे की ओर धंसने लगता है, उस पर्वत से जो निर्माण कहलाता है उसको बोलते हैं होस्ट पर्वत, ठीक है,
होस पर्वत, और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो है उसको, इन दोनों पर्वत का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल आप याद रखिए, ब्लैक फॉरेस्ट भी क्या होता है इसका एग्जाम्पल में आता है, वो ब्रह्मसपुत्र पर्वत के ही अंडर में आता है। क्या बोलते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, रेवेंजरी हो गया, सतपुड़ा हो गए, ये सब क्या होते हैं ब्रह्मसपुत्र पर्वत की श्रेणी में आते हैं। अब लोग बात करते हैं टाइप नंबर थ्री, मतलब होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। बहुत जल्दी मैं कवर करूँगा, इसमें टाइम नहीं, क्योंकि ये टाइम देने वाला नहीं कि बेसिक है, आप इसको जितने जल्दी समझ लेंगे, बाकी आप कई किताबों से भी इसको कवर कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो उससे पहले आप ज्योग्राफी का एटलस जरूर खरीद लें, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यदि आपको कोई चीज़ पढ़नी है तो वो आपको मैप में देखनी भी है, क्योंकि ज्योग्राफी तभी याद होगी जब आप मैप से उसको कवर करेंगे। नोट्स आप बना सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखते जाइए, नोट्स के साथ साथ यदि ज्योग्राफी का मैप ले लेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि यदि मान लो हमने बताया रेवेंजरी पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट और क्या बोलते हैं सतपुड़ा, अरावली, ये कहाँ पड़ते हैं। आपको मैप में जाकर देखना पड़ेगा कि अरावली और ये सब कहाँ पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैप ज़रूर आप परचेज कर लें। थर्ड नंबर होता है हमारे पास जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत कौन से पर्वत होते हैं? अब इसमें टाइप दो टाइप होते हैं। एक देखिए, इन ज्वालामुखी से ही एक तो पठार बनता है और एक पर्वत बनते हैं। तो पठार जो बनता है वो क्षारीय मृदा से, मतलब क्षारी जो लावा होता है वो उससे पठार का निर्माण होता है। पठार की जो मैक्सिमम, अब पठार की परिभाषा क्या होता है, मतलब पठार वो हिस्सा होता है, वो भूमि होती है जो नॉर्मल भूमि यानी एवरेज भूमि से थोड़ा ऊपर उठ के होता है, वो हमारा पठार कहलाता है। इसकी मैक्सिमम जो हाइट होती है, एवरेज हाइट बोल दें तो 300 से 500 फीट के आसपास होती है। और बहुत ज़्यादा कोलंबिया का जैसे पठार हो गया, पामिर का जो पठार हो गया, ये भी पठार की श्रेणी में आती है। इनकी जो हाइट है, पामिर का पठार मान लीजिए ये तो 16,000 फीट पर आता है, ठीक है, 12,000 फीट पर कोलंबिया का पठार क्या बोलते हैं कि 9,000 फीट पर, 8,000 फीट पर, तो ये भी पठार होते हैं। ठीक है, तो एवरेज जो हाइट इनकी होती है वो 300 से 500 फीट के आसपास होता है ज़मीन से। ठीक है, ज्वालामुखी में दो तरह के पर्वत होते हैं। पहले जो अम्ली से बनता है वे ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं, और जो क्या बोलते हैं क्षारीय मृदा से बनते हैं, क्षारीय लावे से, अम्ली और क्षारी। ठीक है, ये दो तरह के क्या होते हैं, क्या बोलते हैं लावा होते हैं, जिनसे इससे जो बनता है वो पर्वत बनता है। ठीक है, और इससे जो बनता है वो पठार का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो एग्जांपल है वो किलिमंजारो है, और इसका जो क्षारीय मृदा का जो एग्जांपल है वो पामिर का पठार हो गया, और क्या बोलते हैं कोलंबिया का पठार हो गया। ठीक है, ये बहुत सारे वहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये ज्वालामुखी पर्वत के बारे में हमने बात की। अब टाइप नंबर फोर की बात करते हैं, और यहीं से क्या होगा हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा कि पर्वत के प्रकार कितने वैरायटी के होते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा। चौथा वो जो होता है अवशिष्ट पर्वत होता है। अब अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? अवशिष्ट पर्वत वो होता है कि मान लिया कि कोई भूभाग है उसका अपक्षय अपवर्धन हो गया। तो जब अपक्षय अपवर्धन होता है, या फिर भूकंप आता है, या फिर कोई और ऐसी घटना होती है जो प्राकृतिक होती है, तो उसके कारण जो मुलायम हिस्सा होता है वो कट जाता है, और जो ठोस हिस्सा होता है वो क्या होता है, स्थिर रहता है। तो इस प्रकार से जिस पर्वत का निर्माण होता है वो हमारा अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अरावली क्षेत्र। ठीक है, अरावली हो गया, हमारा पश्चिमी घाट जो हो गया, ये सब क्या होता है, क्या बोलते हैं कि अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आते हैं। तो पर्वत में हम लोग इतनी ही बातें करेंगे, और चार प्रकार पर्वत हैं आपने पढ़ लिया है, और जितनी वैरायटी क्वेश्चन है बाकी आप जो हमने पठार, पर्वत और पठार का एक वीडियो डाला है उसको जाकर आप जरूर देख लीजिए, तो आपको पता चले अफ्रीका में कितने वैरायटी के पठार और पर्वत पाए जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर करें, और हो सके तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, और जो हमारा लाल वाला बटन है उसे सब्सक्राइब भी करें कि हमसे जुड़ें, और बहुत सारे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, कि मतलब और नॉलेजबल चीज़ें पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकें। यदि कोई इस वीडियो में कोई कमी हो, यदि मान लो कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर जाके अपनी राय जरूर दें, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।